ऐसे नहीं रहते, बनाने में भी बन जाती है, उसके बाद का जो है कवरेज जो है ये कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, तो आज नहीं है ऐसे। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस सबसे पहले आप देख सके। मिस्टर मोरे को बधाई देना चाहता हूँ, एक अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल इश्यूज पे फिल्म को प्रमोट करते हैं अपने जरिए अपनी कैपेसिटी से, ये बहुत बड़ी बात है। अभी अब तो जमाना डिजिटल का हो गया है तो फिल्में बहुत बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म बन रही है, मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्म भी मैं काम किया है अभी रिसेंटली टू प्रमोट देम, पहली बार वेब सीरीज भी किया आउट ऑफ ब्लॉक करता जाता हूँ। लेकिन इस समय मार्केट बहुत बड़ा है, जिसको अकल आ जाएगी वो अपने आप उसको रिलीज करेगा, नहीं जब तक अकल आती तब तक मोरे हैं, ऐसी चीजों को सामने ले आएंगे, जो आना चाहिए पब्लिक की अच्छी बात है, अवार्ड दे उनको, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग फिल्म बनाते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए कि आदमी हिम्मत करके फिल्म बना सके, क्योंकि फिल्म बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, ऐसे नहीं रहते, बनाने में भी बन जाती है, उसके बाद का जो है कवरेज जो है ये कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, तो आज नहीं है ऐसे फिल्मों के, फॉर्मूला फिल्म नहीं है, सोशल इश्यू पे फिल्म है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज जिन्होंने आज 30 साल से भी ज्यादा वक्त इंडियन सिनेमा को दिया, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए अपना कीमती वक्त इतने बिजी शेड्यूल में से वहाँ यहाँ पे आया है, जो पतंजलि जी जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट है लिस्ट में से एक नाम वो भी है, तो सबसे पहले इनको मैं थैंकफुल करना चाहूंगा, क्योंकि सोशल इशू की जो फिल्में बनती है उनको क्या कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और खास करके हमारे इंडियन सिनेमा की प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं जो मेकर्स को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते हैं। इससे मैंने एक चैनल डेवलप किया है कि 200 से भी ज्यादा एनजीओज को एक साथ किया है और एक 10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि फिल्म मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों डायरेक्टली हो जाए और उस सोशल इशू को, फिल्मों को जो फंडिंग होगी रिलीज करने के लिए, वो एनजीओ के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूटर तक और फिल्म मेकर तक पहुँचाए, और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगी, ये निस्वार्थ रूप से एक अभियान की शुरुआत की है, और शुरुआत में आज अंजन श्रीवास्तव जी जैसे एक्टर जैसे मुश्ताक जी आए, आज इशरत अली सर आए, काफ़ी पंकज बेरी सर आए, काफ़ी एक्टर लोग आए मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसे सुनील पाल सर जी। ठीक है, मनोबल बढ़ाने का मेन काम ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर तभी होता है जब कोई शॉर्ट फिल्म और आउटडेट ऑफ द फिट फिल्म जो होती है उसको ऑस्कर या कोई बड़ा नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो उसको रिलीज कर देते हैं, लेकिन जिनका कोई नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, रिलीज हुई है तो पब्लिक के सामने जाने के लिए ये सबसे बड़ा जरिया, इससे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ 99 को।